ओ भाई प्लीज़ यार रुक जाओ यार, सारे ही सारे बंदे मुझे कमेंट सेक्शन में बस एक ही चीज़ पूछ जा रहे हैं कि तेरे 1K सब्सक्राइबर इतनी जल्दी कैसे हो गए, तूने कैसे इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दिए, तू कैसे वीडियोस बनाता है, तू कैसे एडिट करता है और सब क्या करता है। तो भाई रुक जाओ भाई, थम जाओ, मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये है उस वीडियो का सेकेंड पार्ट। हाँ तो भाई व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी चैनल। और बेसिकली ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसके अंदर मैं तुमको बताया था कि कैसे एक माइनक्राफ्ट वीडियो बना सकते हो तुम अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो वो वीडियो में मैंने एकदम विस्तार में सारी चीज़ें समझा रखी है, तो उसको भी जाके देख सकते हो और उसके बाद आके वाली वीडियो देख लेना। तो बेसिकली मैं करने ये वाला हूँ कि उस वीडियो के अंदर जो मैंने बातें की थी उसका थोड़ा ब्रीफ में और थोड़ा अपडेटेड वर्जन इस वाली वीडियो के अंदर मैंने डाला है। तो ये वाली वीडियो को एंड तक देखोगे तो भाई अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए और सारी चीज़ तुमको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में बस एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई हमको तू बस ये बता कि तेरे 1K सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए, तूने कर कैसे लिए भाई, तूने कैसे कर लिए 1K, हमको बस बता दे तू। तो भाई बता रहा हूँ यार, रुक जाओ ज़रा, थोड़ा सब्र कर लो। और ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कुछ ऐसे मंत्र वंतर फूका है जिससे मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। भाई मेहनत करके किए 1K सब्सक्राइबर, बहुत बहुत मेहनत लगती है 1K करने में, तो वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो अच्छा रहेगा, एंड वीडियो के एंड में मैंने अपने चैनल से रिलेटेड थोड़ी अपडेट भी डाली है। तो भाई बहुत ज्यादा बकवास हो गई, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो भाई जैसा कि मैंने तुम लोग को पिछली वाली वीडियो के अंदर यानी इस वीडियो के पिछले पार्ट के अंदर भी बताया था कि सबसे पहले जो यूट्यूब पे कोई भी बंदा आता है, मतलब कोई तुम्हारी वीडियो देखने आता है, तो वो सबसे पहले क्या नोटिस करता है। तो भाई ऑब्वियसली मैंने तुमको उस वीडियो के अंदर बताया था कि वो तुम्हारी वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अब तुम खुद का एग्जाम्पल ले लो भाई, अगर तुम कोई वीडियो देखने जाते हो यूट्यूब पे, तो तुम जैसे वीडियो पे क्लिक करते हो और कुछ ऐसा मतलब तुमको दिखता है जैसे कि जो बंदा गेम खेल रहा है उसका गेम लैग हो रहा है, या फिर जो ऑडियो बोल रहा है वो एकदम कुछ भी ढंग से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जो ऑडियो है वो ऑडिबल ही नहीं है, मतलब ठीक से तुम सुन ही नहीं पा रहे उसको, तो ऑब्वियसली तुम इस वीडियो को पूरी नहीं देखोगे, तुम उसको हटा दोगे। या फिर वो कमेंट्री कुछ भी ऐसी अजीब सी आवाज़ में कर रहा है तो तुमको नहीं पसंद आएगी वो ऑब्वियसली, ठीक है, तो तुम उसको हटा दोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो यूट्यूब पर कोई भी तुम्हारी वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा। अब ऑडियो क्वालिटी के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि तुमको कोई महंगा माइक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फोन के माइक्रोफोन से बहुत बढ़िया ऑडियो आ जाती है। अब तुम बोलोगे फोन के माइक्रोफोन से कैसे रिकॉर्ड करें, तो भाई मैं कैसे यूज करता हूं मैं बता देता हूं कि पहले मैं गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूं, एंड देन उसके बाद गेम प्ले रिकॉर्ड हो जाने के बाद मैं केन मास्टर में जो एक ऑप्शन होता है वॉइस ओवर वाला, उससे जाके वॉइस ओवर करता हूं। और अभी जो ये तुम आवाज सुन रहे हो ये भी मैंने वहीं से वॉइस ओवर की है, एंड मेरे फोन के माइक से ही की है, डायरेक्ट फोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज नहीं कर रहा हूं मैं। हेडफोन का पहले मैं करता था, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई फ़ोन के माइक से और अच्छी क्वालिटी आ रही है, तो मैंने फ़ोन का माइक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और अभी तुम जितनी भी मेरी वीडियोस देखते हो उन सब में जो ऑडियो होती है वो मेरे फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड होती है। तो तुम लोग भी इसको ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। और अगर तुमको केन मास्टर रिलेटेड पूरा ट्यूटोरियल चाहिए, केन मास्टर काइन मास्टर जो भी बोलते भाई, तो केन मास्टर रिलेटेड जो भी तुमको चाहिए अगर ट्यूटोरियल, तो भाई उस पर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो जाओ जाके तुम लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऑडियो क्वालिटी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है वीडियो क्वालिटी, एंड ऑब्वियसली वीडियो क्वालिटी तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कि जो तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करना कैसे है वो भी मैंने उस वाली वीडियो के अंदर बताया, एडिटिंग वाली, और लास्ट पार्ट में बताया था कि तुमको अपनी वीडियो को मतलब अगर तुम जैसे कैमरे से वीडियो बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है तुमको वीडियो बनाने के लिए DSLR चाहिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर फ़ोन के कैमरे से भी रिकॉर्ड करते हो तो उसको अगर तुम 180p और 180p एंड 30fps या 60fps जितना भी तुम्हारा फ़ोन सपोर्ट करता हो भी अगर तुम एक्सपोर्ट भी करते हो ना, तो तुमको अच्छा खासा मतलब क्वालिटी मिल जाती है और बढ़िया लगती है तुम्हारी वीडियो देखने में, एंड यूट्यूब भी उसको मतलब एज अ हाई रिजोल्यूशन वीडियो ही लेता है, और उससे तुम लोग को फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस टाइप से तुम लोग अपनी वीडियो क्वालिटी सुधार सकते हो। और भी यार डिटेल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ वाली वीडियो देख लो लास्ट वाली, उसके अंदर भी मैंने अच्छे से समझाया सब कुछ, तो वाली वीडियो अगर देख लोगे तो तुमको बढ़िया से सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ओके तो भाई ये तो हो गई भाई तुम्हारी क्वालिटी की बात, तो उसके बाद आती है भाई मेन चीज़ जो होती है एडिटिंग। अब भाई एडिटिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम कोई वीडियो देखते हो और उसमें सारी चीज़ अच्छी है, मान लो सारी चीज़ अच्छी, जैसे तुम मैंने बताया ऑडियो क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास, वीडियो क्वालिटी एकदम बढ़िया, लेकिन अगर वो वीडियो पे मतलब तुम सोचो अगर उस वीडियो पे एडिट ही ठीक से नहीं हुआ है, मतलब नॉर्मल बस वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी, उस पर कुछ भी एडिटिंग ढंग से है ही नहीं, ना बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए ना कुछ है,
ना बीच में कुछ मतलब ट्रांजिशन वर्जिशन आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो वीडियो तुमको पसंद नहीं आने वाली ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे मैं तुम लोगों का एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ, मतलब हम लोग का जैसे हम लोग एज अ व्यूअर देखते किसी वीडियो को, वैसे ही दूसरे लोग भी हमारी वीडियोज़ को देखते, तो हमको उनके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा एंड देन वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं हमारा एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार, तो जैसे कि मैंने बताया एडिटिंग करना ज़रूरी है वीडियो को। अब भाई देखो दो टाइप की एडिटिंग हो सकती है, एक होती है एडिटिंग जो कि बिल्कुल भर भर के एडिटिंग की होती है। तो देखो इस तरीके समझो कि एडिटिंग को तुम मतलब सॉल्ट की तरह ले सकते हो, यानी कि अगर हम कुछ चीज़ बनाते हैं खाने की, तो उसके अंदर अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर कम हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो तुमको एकदम उसको परफेक्ट रखना है एडिटिंग को। अब जैसे कुछ वीडियोज़ होती है ओवर एडिटेड वीडियो जो कि पसंद नहीं आती है, कि यहाँ से ऐसा इफेक्ट लग रहा है वहाँ से इफेक्ट लग रहा है, तो वैसी वीडियोज़ भी पसंद नहीं आती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जैसी वीडियो तुमको पसंद आएगी ना देखने में भाई, वो ऑब्वियसली व्यूअर्स को पसंद आएगी देखने में। तो जब तुम अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, तब तुमको अगर ज़रा भी लगता है कि मुझे यार नहीं यार यहाँ पे ऐसा कर देना चाहिए, तो तुमको वहाँ पे वैसा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो वीडियो तुमको अगर ऐसी लग रही है कि तुमको 90% लग रही है वो वीडियो देखने में, तो भाई व्यूअर्स को कैसे पसंद आएगी या उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि जो बना रहा है उसको ही पूरी तरीके से अच्छी नहीं लग रही है वीडियो, तो जो बनाने जो देखने वाला है मतलब उसकी बात तो बहुत दूर की हो गई। सो भाई इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है तुम्हारी थंबनेल, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो तुम लोग ने दिन भर मेहनत करके एक वीडियो बनाई जिसके अंदर तुमने बहुत बढ़िया क्वालिटी यूज़ की, मतलब बहुत बढ़िया 180p और 60fps में तुमने उसको एक्सपोर्ट किया, एंड सारी चीज़ें तुमने बढ़िया से की, और ऑडियो सारी चीज़ें मतलब एकदम परफेक्ट करी, बट अगर तुम उस वीडियो को मतलब बिना थंबनेल के ऐसे अपलोड कर दोगे तो क्या उस पे व्यूज़ आएंगे, मुझे ये बताओ भाई। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आने वाले, और हो सकता है जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर हो, जैसे मान लो 100 सब्सक्राइबर हो तो उसमें से 10 लोग देखे बस वीडियो को, तो अगर तुम्हारी थंबनेल अच्छी नहीं है तो तुम पे व्यूज़ नहीं आने वाले। कुछ भी कर लो तुम लोग, मतलब कुछ भी कर लो तुम पे व्यूज़ नहीं आएंगे। अब देखो ऐसा होता है कि जो भी बंदा है वो तुम्हारी वीडियो क्या देख के खोलता है, ऑब्वियसली वो तुम्हारी थंबनेल देखता है एंड उसके बाद वीडियो खोलता है। तो जैसे कि ये वाली थंबनेल देख सकते हो तुम इस वीडियो की, तो तुमने पहले थंबनेल देखी एंड देन उस वीडियो पे क्लिक किया, तो थंबनेल बनाने में तुमको ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारी पूरी वीडियो की मेहनत जो कि तुमने 4-5 घंटे लगा के एक वीडियो बनाई है, उसको भाई उसको क्लिक कराने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, थंबनेल की। तो थंबनेल को एकदम परफेक्ट होना ज़रूरी है, और तुमको भाई हज़ारों में ना ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे थंबनेल से रिलेटेड, तो अगर तुम देखना चाहते हो उन ट्यूटोरियल्स को तो उनको भी जाकर देख सकते हो, और अगर तुमको भाई नहीं लग रहा है कि हमको तो भाई तुम्हारी बना हुआ देखना है, तो भाई तुम जा लो, मैंने बना रखा है पहले से, तो जाओ जाके देख लो। और सारी जितने भी वीडियोज़ में बता रहा हूँ सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और अगर चाहते हो तो मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हो, मेरी टॉप वीडियोज़ में होंगे वो। तो भाई ये सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि थंबनेल वंबनेल बनाना, ये सब तुम लोग ट्यूटोरियल देख देख के सीख सकते हो, और ये सारी चीज़ें तो मैं भी अभी तक करता हूँ, मतलब ये थंबनेल के ट्यूटोरियल्स में अभी तक देखता हूँ भाई, यूट्यूब में मुझे जो थंबनेल का ट्यूटोरियल दिखता है ना मैं वो देखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव करना चाहता हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग मेरी वीडियोज़ में देखोगे तो तुमको लगातार मेरी जो थंबनेल थे ना वो अच्छी होती हुई दिखेगी, एंड इंप्रूवमेंट तुमको करना है यूट्यूब पर। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इंप्रूवमेंट तुम कितनी जल्दी करते हो, क्योंकि कोई भी बंदे की फर्स्ट वीडियो ना एकदम बढ़िया नहीं होती, मतलब उसकी फर्स्ट वीडियो बढ़िया नहीं होती है एडिटिंग के मामले में, क्वालिटी के मामले में, ऑडियो क्वालिटी के मामले में बढ़िया नहीं होती है। हो सकता है कोई बंदा हो जो पहले से यूट्यूब कर रहा हो, अगर तो अगर उसने कोई नया चैनल बनाया तो उसकी फर्स्ट वीडियो बढ़िया हो सकती है, लेकिन अगर तुम फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग बढ़िया नहीं होगी, तो तुम्हारी फर्स्ट वीडियो पर ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग लाखों में व्यूज आ जाएंगे, हो सकता है कभी आ भी जाए, कुछ बंदों के साथ होता है ऐसा, बट वो लक की बात होती है, ठीक है। तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी यूट्यूब पर, एंड यही थी आज की वीडियो, और इसमें मैंने तुमको सारी चीज़ें ऊपर बताई है, और अगर ब्रीफ में जानना है तो मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख लेना। और भाई अब आते हैं हमारे चैनल अपडेट के बारे में, तो मैंने तुमको जैसा बताया था कि मैं तुमको एक चैनल अपडेट देने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो भाई हमारे 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले बहुत जल्दी, और इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि भाई अब इस चैनल पे इस टाइप की वीडियो नहीं आएगी, मतलब इस टाइप की वीडियो से मेरा मतलब है जैसे कि ये वाली वीडियो है यूट्यूब से रिलेटेड और ऐसी कि ये कैसे करे वो कैसे करे, एंड मैप के डाउनलोड लिंक और मॉड्स वो सब आते रहेंगे, बट ये इस टाइप की वीडियोज में नहीं लाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे मनोज दे नहीं बनना है बेसिकली, और मैं ऐसी वीडियोस बनाना चाहता हूँ जिनको बनाने में मुझे मज़ा आए, और इस टाइप के वीडियोस को बनाने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है इस टाइप की वीडियोस बनाना। वो तो मैं पिछली वीडियोस इतने दिनों से बना रहा था, तो मैंने तुम लोग बहुत ज़्यादा मेरे को फोर्स कर रहे थे कि हमको सेकंड पार्ट चाहिए, इसलिए वाली वीडियो बनाई, क्योंकि
क्योंकि बनना मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी ऐसी कोई वीडियो बनाने की। तो ठीक है, अब बना दिए, ठीक है चलो चलता है। तो अब इस टाइप की वीडियोज़ नहीं आएगी चैनल पे, माइनक्राफ्ट के गेम प्लेज और रोस्टिंग वीडियोज़ भी अपलोड में ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा आपसे, तो उस टाइप की वीडियोज़ आएगी एंड ये वाली वीडियोज़ अब आएगी नहीं बिल्कुल भी। हुआ तो ठीक है, एक दो बना दूंगा बाकी ठीक है। और बाकी तुम लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में लिखना बंद कर दो आपकी भाई ये कैसे करे यूट्यूब पे, वो कैसे करे, मैं पक गया हूँ भाई ये चीज़ें बता के, तो प्लीज़ मत करा करो कमेंट्स। ठीक है, तो भाई यही थी आज की वीडियो, और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक देख लिए तो भाई अगर तुमको वीडियो ज़रा भी पसंद आई होगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसका कोई यूट्यूब चैनल हो, और ना भी हो तो सब्सक्राइब तुम तो कर दो शेयर भाई, कम से कम व्यू तो मिल जाएगा। ओके, तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जब तक के लिए बाय।